तो अब ये कुछ नया मशीन है, मैं अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ लफड़ा हो जाता है, फिर लोगों के पास भी आ जाती है, फिर मेरे को इधर सुनना पड़ता है। नमस्ते भाव लोग, कैसा कहा है, वेलकम बैक टू चैनल आर एस के एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आज है अपना फोर्थ डे, फोर्थ थेरेपी, फोर्थ डे, और नाउ आई विल कंटिन्यू विद माई थेरेपीज। मजा मजा एकदम मजा, सब हंसी खुशी रहते हैं अपने पेशेंट से यहाँ पे। ज्यादा हो गया क्या? तो आज भी थोड़ा ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा लग रहा था। स्टार्ट करेंगे एक्यूपंचर के अभी अपने में वो सुई छुपाए जा रहे। बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा स्लो कर दो ना, बाद में बढ़ा दे। आज पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, जबकि इसका फ्रिक्वेंसी भी देख पा रहे हैं। आज थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर भी रेगुलर रहता है, मैंने देखा 115 110, आज 120 देखा, नोटिस किया मैंने। सीटी भी मतलब नॉर्मल से नॉर्मल ही है, लेकिन रेगुलर जो मेरा रहता है उससे काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा था। चार दिन में तो बॉडी इतना गिव अप करना स्टार्ट हो जाता है। अभी हैमरिंग हुआ मेरा, सुपर पेन हो रहा था, मतलब हैमरिंग का पेन नहीं हो रहा था, वो कपिंग वपिंग पहले जो किया है ना वो पेन के ऊपर ट्रिगर हो जाता है जब वो हैमर चलता है। हालत देख सकते हो मेरी क्या हो गई। डे फोर फर्स्ट हाफ जैसे काशी वाली, अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि रोने तो दादा के शॉप पे जाके ना हफ्ते में 2-3 बार तो मुझे कर लेना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा टॉक्सिन निकलता है मेरा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलते पहले जैसा। फोर्थ डे का फर्स्ट हाफ हो गया जिसमें अपने पहले नीडल आईक्यू प्रेशर और आईएफटी दिया, देन हैमरिंग, फिर हैमरिंग और उसके बाद काशी थाली फुट मसाज। अब इंतज़ार करते हैं शाम का। फोर्थ डे सेकेंड हाफ, सुबह 3 चीज़ें हुई थी, अब बाकी की चीज़ें से स्टार्ट करें। पैसेस लग गए यहाँ पे और नीचे। थेरापेटिक सेटिंग में किचन में खाची चल रही है, वहाँ पे उनका चल रहा है, मेरा भी होने वाला है, लेकिन अभी वो वीडियो निकालने जमता नहीं है सही से, बिकॉज डॉक्टर एंड शाबाज भाई जो है वो ट्रीटमेंट लेने में लगे, तो निकालने के लिए कोई नहीं। तो मेरे शायद से पहले वीडियोस में है ये चीज़, तो आप जिन्हें वीडियोस भी देख सकते हो इसके लिए। हर बार जब आता हूँ कुछ ना कुछ नया नया रहता ही है। मेरा फोर्थ थेरेपी और फोर्थ थेरेपी जो पीछे रखा है ना मेरे, तो मशीनरीज में इस बार एक्सपोज नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है ना वो फिर बहुत जगह पे ना बाद में फिर मेरे इधर ही कमेंट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव में फाइट हो जाता है। तो आज से अपन, मैं डॉक्टर को प्रॉमिस किया कि कोई भी नई चीज़ है मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, उसको बताऊंगा खाली कि मैं ये टाइप का कुछ ले रहा हूँ, बट वो ना मशीन का इन्फॉर्मेशन दूंगा ना वो मशीन क्या काम करती बताऊंगा, मुझे कितना पॉजिटिव रिजल्ट हो रहा है उस चीज़ से पर्टिकुलर मशीनरी से वो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो दैट्स इट। तो आज फोर्थ डे का अपना सेकेंड हफ्ता ये लास्ट पार्ट है, तो ये अभी देखिए अपना आज का थेरेपी खत्म होगा, कल कुछ न्यू चीज़ों के साथ मैं आपके साथ फिफ्थ डे शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स एंड जय हिंद जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, थैंक यू।